हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीटी श्री फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ये बैक का 8th वीडियो है। ये जैसे मैंने बोला था कि बैक की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 8th वाला वीडियो है। तो आप क्या कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। जितना हो सकता है आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो चलो जिन लोगों को रेडिएटिंग पेन हो रहा है, पैर की तरफ पेन जा रहा है, काफ में यहाँ पे पेन जा रहा है, कुछ लोगों का पेन यहाँ पे आ रहा है लेकिन एक्सरसाइज की वजह से बढ़ रहा है, तो आप ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, उससे आपका दर्द कम होगा। ये वाले एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, बैक रिलेटेड एक्सरसाइज का पूरा वीडियो है। पहले मैंने ये पूरा जैसे जैसे मुझे बैक के रिलेटेड कुछ लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस असर कर रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ नहीं है एक्सरसाइजेस असर कर नहीं रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो अलग अलग एक्सरसाइज के वीडियोस बना के आपको डाल रहा हूँ। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिससे आपको फर्क मिलता है, वही एक्सरसाइज आपको फॉलो करना है। पहले वाले एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको सोना है, सीधा सोना है और दोनों हाथों को कमर के नीचे रखना है। कमर के नीचे जहाँ पे हमारा बॉडी ग्राउंड को टच नहीं होता है उस जगह पे रखना है और उसको नीचे दबाना है और दबा के रखना है 5 to 10 seconds के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 1 to 5 काउंट करना है या 1 to 10 काउंट करना है, छोड़ना है से 5 times करना है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। मैं 5 seconds की तरह नहीं गिनता हूँ, फास्ट गिनता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट में भी मुझे डाला था कि आप सर 10 seconds की जैसे या 5 seconds की जैसे काउंटिंग नहीं कर रहे हो, तो मैं उसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सेकेंड वाले एक्सरसाइज में करना क्या है, दोनों हाथों को नीचे रखना है और सिर, कंधे और एड़ी तीनों को एक साथ दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दो। वापिस एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दो। ये एक्सरसाइज में पीठ थोड़ा ऊपर उठ जाता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये उठ जाता है, ठीक है। थर्ड वाले एक्सरसाइज में करना क्या है, सीट को जितना हो सकता है सीट को अंदर की तरफ सिकूड लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यह हाथ ऊपर रख देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ देना है। ऐसे 1 to 5 या 1 to 10 काउंट करना है, छोड़ना है। ये हो गया थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ वाले एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको दोनों घुटनों को ऊपर उठा लेना है और कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ना है। और एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया फोर्थ वाला एक्सरसाइज। फिफ्थ वाला एक्सरसाइज में करना क्या है, पैर को ऐसे क्रॉस कर लेना है। पैर को क्रॉस करने के बाद इस साइड 5 बार, इस साइड 5 बार, नहीं तो इस साइड 10 बार, इस साइड 10 बार जा सकते हो। ये पैर आप दूसरा भी पैर ले सकते हो, ये पैर को नीचे रख के दूसरे वाले पैर को ऊपर रख के भी ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसे आपको 5 या 10 बार करना है। ये हो गया फिफ्थ वाला एक्सरसाइज में करना क्या है, दोनों हाथों को ऐसे नीचे पकड़ लेना है घुटने के नीचे। यहाँ से पैर को आपको जितना हो सकता है उतना सीधा करना है और पंजे की तरफ एड़ी को या पंजे को अपनी तरफ खींच लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ देना है। वापिस एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ना है। ऐसे 1 to 5 काउंट करना है, छोड़ना है, या 1 to 10 seconds काउंट करना है, छोड़ना है, ऐसे 5 times या 10 times कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।
थैंक यू।